प्रश्न जरूर होना चाहिए था इसमें अभी तक कि आखिरकार संविधान दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब देश के संसद भवन की चंद कदम की दूरी पर भारतीय संविधान की होली जलाई जाती हो, बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हो, चमार मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हो, और जो लोग भारतीय संविधान की होली जला रहे हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना होती हो, वो संविधान जलाने के 4-5 महीने के बाद भी गिरफ्तार ना होते हो, सरकार जो देश के अंदर रूल कर रही है उनका मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े ये कहता हो कि हम लोग संविधान बदलने के लिए आए हैं, बीजेपी के एक बड़ी नेता मधु मिश्रा ये कहती हो कि संविधान की वजह से जूते घिसने वाले लोग आज हमारे सर पर राज कर रहे हैं, तो मैं तमाम मीडिया बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि फिर ड्यूटी किसकी बनती है? क्या संविधान जिन लोगों ने जलाया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मधु मिश्रा ये कहती है कि संविधान के बल पर जूते सिलने वाले लोग आज हमारे सर पर राज कर रहे हैं तो मधु मिश्रा के खिलाफ मोर्चा निकलना चाहिए। कुल मिला के जो देश के अंदर वर्तमान सरकारें हैं वो संविधान विरोधी सरकारें हैं, उनके मंत्री उनके नेता इस बात को जाने अनजाने में अनेकों बार कह चुके हैं, इसलिए हमारी सबकी ड्यूटी बन जाती है महासंघ और महासंघ के बाद के जितने भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान से जो इस देश का 85% समाज है जिसकी जनसंख्या लगभग करोड़ मतलब मैं कहता हूँ 100 करोड़ के आसपास है लगभग, उस 100 करोड़ पॉपुलेशन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो संविधान की रक्षा के लिए रोड पर आए और संविधान जो संविधान की वजह से वो लोग आज अच्छी अच्छी गाड़ियों में अच्छे अच्छे बंगलों में अच्छे अच्छे सूट बूट पहन करके एक सही मानवीय जीवन जी रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो संविधान को बचाए। तो इस जो 26 नवंबर 2018 को माने बी एस भारती जी, बड़े भाई के पी चौधरी जी और तमाम जो साथी आज मंच पर बैठे हैं महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में जो ताल कटोरा स्टेडियम में जो ये संविधान बचाओ सम्मेलन होने जा रहा है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने संविधान के प्रति लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, संविधान में हमारी क्या अधिकार है उनके बारे में उन लोगों को कैसे बता सकते हैं, और ये जो योगी मोदी सरकार जो संविधान विरोधी सरकार जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा की विरोधी सरकार मुल्क के अंदर चल रही है हम इन सरकारों को कैसे ये बता सकते हैं कि अगर संविधान नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहेंगे। तो ये इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है मनाने का ये स्पष्ट रूप से है कि हम लोग इस प्रोग्राम को इसलिए मना रहे हैं कि संविधान की रक्षा सुरक्षा कैसे की जाए और आने वाली वो सरकारें होनी चाहिए जिनके हाथों में संविधान सुरक्षित रहे। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से मीनाक्षी अम्बेडकर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।